भगवान ने एक व्यक्ति को दो दरवाजे दिखाए और कहा, जाओ देखो इन दरवाजों के पीछे क्या है। उसने पहले दरवाजे में देखा एक मेज है, मेज पर एक सूप का बर्तन है, मेज के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं जिनके हाथ में एक लंबा चम्मच है, लेकिन सभी दुबले पतले और अस्वस्थ है। फिर उसने दूसरे दरवाजे को खोलकर देखा, वहां पर भी वही मेज, मेज पर सूप से भरा बर्तन और लोग जिनके हाथ में लंबे चम्मच है, पर यहाँ लोग बिल्कुल स्वस्थ और खुश लग रहे हैं। व्यक्ति ने भगवान से पूछा, दोनों कमरे एक जैसे हैं, पर एक कमरे में लोग दुखी और एक में सुखी, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, तुमने देखा लंबे चम्मच दूसरों को खिलाने के लिए ठीक है, पर खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं। तुम जिस कमरे में पहले गए थे वो नरक था, वहाँ के लोग लालची और केवल अपने बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को उन चम्मच से खिलाते नहीं। और वहीं दूसरा कमरा स्वर्ग है, वहाँ के लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को उस लंबे चम्मच से खिलाते हैं। इससे ये सीखने मिलता है, यदि हम एक दूसरे को समर्थन और देखभाल करें तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।